ओके बच्चों, अब हम हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, विच इज वेक्टर्स इन 3D स्पेस। आप सभी ने फिजिक्स में वेक्टर के बारे में पढ़ रखा है और वहां पर आपने 2D प्लेन में वेक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा। इस वीडियो में हम किसी भी वेक्टर को 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझेंगे। जैसे कि वेक्टर्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसी क्वांटिटीज जिनका दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उनको हम वेक्टर्स कहते हैं। अब हम इसे मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। उसके लिए देखते हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन एल या तो इस तरह से हो सकती है या फिर इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकती है। इन दोनों लाइंस में हम क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों लाइंस की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है और ये दोनों इनफाइनाइट लेंथ की भी हैं। ऐसी लाइंस जिसमें डायरेक्शन भी होती है डायरेक्टेड लाइंस कहलाती हैं। तो आप देख सकते हैं, लाइन ऑन द लेफ्ट इज गोइंग अप, द लाइन ऑन द राइट इज कमिंग डाउन, एंड बोथ आर एट एन एंगल। अब हम इसमें से किसी एक लाइन पर, जो कि राइट वाली लाइन है इस केस में, दो पॉइंट्स ए एंड बी लेते हैं। यहां पर ए से बी तक जो लाइन का पार्ट है वो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ही हम वेक्टर कहते हैं, बिकॉज उसकी एक डेफिनेट लेंथ भी होगी एंड उसकी एक डायरेक्शन भी है। इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ए बी के ऊपर एक एरो, सो इट शोज इट्स अ वेक्टर। यहां पर ए इनिशियल पॉइंट है एंड बी टर्मिनल पॉइंट है, जिसके कारण इसे ए बी वेक्टर लिखा जाता है। दैट मींस दिस लाइन सेगमेंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड टर्मिनेटिंग एट बी। इसे हम ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए, दैट इज ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो अगर हम ए बी को मॉड साइन में डाल लें तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए, दैट मींस इसका मैग्नीट्यूड ए है एंड इसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ है। अब हम पोजिशन वेक्टर के बारे में सीखेंगे। इसके लिए एक्स वाई और जेड एक्सिस लेते हैं, जो कि एक 3D स्ट्रक्चर होता है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0,0 होता है। अब 3D स्पेस में एक पॉइंट पी कंसिडर करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, z। अब हम इसका पोजिशन वेक्टर कैलकुलेट करने वाले हैं। अब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट आर लेते हैं, वाई एक्सिस पर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में वाई यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते हैं एस, एंड जेड एक्सिस के पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जेड यूनिट के डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते हैं टी। अब एक लाइन सेगमेंट आर क्यू लेते हैं, जो कि ओएस के पैरेलल है एंड वाई यूनिट ही लॉन्ग है। लाइन सेगमेंट क्यू पी आर क्यू पर परपेंडिकुलर है और ओ क्यू भी क्यू पी पर परपेंडिकुलर है, जिससे हमें क्यू पी की लेंथ जेड यूनिट के इक्वल मिल जाती है। अब हम यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि ओरिजिन से पॉइंट पी तक जाने के लिए एक्स डायरेक्शन में एक्स यूनिट, वाई डायरेक्शन में वाई यूनिट एंड जेड डायरेक्शन में जेड यूनिट डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो इस प्रकार पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट x, y, z के इक्वल ही मिलता है। तो पॉइंट पी का पोजिशन वेक्टर वह लाइन सेगमेंट होगा जो ओरिजिन से स्टार्ट होकर पॉइंट पी पर एंड होता है, जिसे आर वेक्टर से भी डिनोट किया जाता है, अर्थात ओपी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर होगा। यहां ओपी एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है जिसका इनिशियल पॉइंट ओ है एंड टर्मिनल पॉइंट पी है। अब हम इस ओपी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना सीखेंगे। यहां पे जो ट्रायंगल क्यू ओ आर है वह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पे ऑरेंज शेडेड रीजन से दिख रहा है। ओ क्यू हाइपोटेनस है, तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हम लिख सकते हैं ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। ओ आर एंड आर क्यू हमें पता है एक्स एंड वाई है, तो हम लिख सकते हैं
ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. लेट अस नाउ कंसिडर अनदर ट्राइंगल विच इज ट्राइंगल पी ओ क्यू विच इज शेडेड इन ब्लू कलर. अब ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस है वो है ओपी. तो हम लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल पी ओ क्यू ओपी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर. अब हम पी क्यू देखें तो पी क्यू इज इक्वल टू जेड यूनिट, सो पी क्यू स्क्वायर वुड बी इक्वल टू जेड स्क्वायर. ओ क्यू स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी हमने ऊपर निकाली है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो हम लिख सकते हैं ओपी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. और आई कैन से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, और वी कैन से इट इज इक्वल टू आर. लेट अस गो लिटिल फर्दर अहेड. सपोज इन थ्री डायमेंशनल प्लेन देर आर थ्री कोऑर्डिनेट्स ए बी एंड सी. तो अगर हम ओ ए को देखें तो उसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर, और वी विल से ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, एंड ओ सी वेक्टर इज सी वेक्टर विच कैन बी रिटन एज ओ ए वेक्टर ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर बी वेक्टर, एंड ओ सी वेक्टर एज सी वेक्टर. अब अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर वी कैन राइट एज ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी वेक्टर कैन बी रिटन एज बी, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ओ सी वेक्टर कैन बी रिटन एज सी. इस प्रकार 3D स्पेस में किसी भी वेक्टर को उसके पोजीशन वेक्टर से डिनोट किया जा सकता है. अब हम ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बिना चेंज किए स्पेस में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, एंड यह ऑल वेक्टर्स के लिए पॉसिबल है. ऐसे वेक्टर्स को फ्री वेक्टर्स कहते हैं जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज किए बिना हम स्पेस में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं. और इस चैप्टर में हम जितने भी वेक्टर्स आगे पढ़ने वाले हैं या यूज करने वाले हैं वे सारे फ्री वेक्टर्स ही होंगे, यानी उनका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर फिक्स्ड नहीं होगा.